हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोकेशनल ट्रेड्स जो रहते जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या क्या वीज़ा सिस्टम है अवेलेबल ऑस्ट्रेलिया के आप आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वोकेशनल ट्रेड्स में बहुत सारे ऑक्यूपेशन आते हैं, जैसे ट्रेड मैकेनिक है या फिर जनरल फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ब्रिकलेयर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो ऑक्यूपेशन हैं। तो मैकेनिकल में कार के रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन है तो ये सब ऑक्यूपेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 189 और 190 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर है विक्रम घाड़गे बोल के, तो उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा था, उनको उन्होंने NCVT से 1998 में एक मैकेनिक का एक ट्रेड किया था और जैसे कि जनरल फिटर भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो विक्रम जी के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है थ्रू कोई भी वोकेशनल ट्रेड के लिए तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो लॉन्ग टर्म में है कि नहीं, लॉन्ग टर्म लिस्ट में है कि नहीं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो आप 190 और 189 ये दो वीजा के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एलिजिबल है। 189 और 190 ये दो वीजा के लिए आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि जनरल कौन कौन से रूल्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके लिए आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है और क्या प्रोसेस है उसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएंगे कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। हर ऑक्यूपेशन के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन जनरल जो प्रोसेस है वो सेम रहता है हर ऑक्यूपेशन के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर में कि कौन से ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे इस वेब पेज पे उन्होंने ऑक्यूपेशन लिस्ट दी हुई है और इसमें जो टीआर है, टीआरए का जो है लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको स्किल असेसमेंट करवाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस वेब पेज पर जाके आपको देखना है कि आपका ऑक्यूपेशन लिस्टेड है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि रूफ प्लम्बर है सपोज, तो इस ऑक्यूपेशन का कोड है 334115 और ये MLTSSL है। इसका क्या मतलब है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। और अगर आपका ये ऑक्यूपेशन है तो आप इन सारे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली 189 और 190 के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको TRA से स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह से इस टेबल को रीड करना है। और अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें है STSOL, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 189 वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 190 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब आप स्किल असेसमेंट के लिए जाते हैं तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब अगर आप 190 या फिर 189 दोनों वीज़ा के लिए आप स्किल असेसमेंट के थ्रू जा सकते हैं। मतलब अगर आपको 189 में सिलेक्ट नहीं हुए तो 190 में एटलीस्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जाके पहले ऑक्यूपेशन देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा वेब पेज है 189 या 190 वीज़ा के लिए, तो जो एलिजिबिलिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है 189 और 190 के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी दी है कि ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उसके बाद स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बताया कि TRA जो बॉडी है, उसके बाद 60 पॉइंट्स आपको होने चाहिए, पॉइंट्स टेबल में अभी बताऊंगा इसके बाद। और 45 इयर्स का लिमिट है एज लिमिट। उसके बाद कॉम्पिटेड इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब आईलेट्स में 6 बैंड होना चाहिए हर टेस्ट में, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आप स्किल सिलेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको 60 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 60 पॉइंट्स कैसे काउंट करना है, तो यहाँ पे एक टेबल है पॉइंट्स टेबल, तो इसमें दिया है उन्होंने, अगर आपका एज से सपोज 25 से 32 है तो आपको पॉइंट्स 30 मिल जाएंगे, अगर आपका एज 33 to 39 है तो आपको 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपको पॉइंट्स काउंट करना है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने बहुत एम्प्लॉयमेंट किया है लास्ट 10 इयर्स में, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है आपका सपोज 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहाँ पे।
उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है आपका, अगर आपका आपने डिग्री लिया है या फिर कुछ सर्टिफिकेट लिया है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इस तरह से आपको काउंट करना है आपके पॉइंट्स। और अगर 60 पॉइंट्स अगर आते हैं अपने, तो उसके बाद आप स्किल सिलेक्ट में जाके सबमिट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको इनविटेशन आ जाएगा, और इनविटेशन आने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो 189 या फिर 190 वीज़ा के लिए। तो यही सब प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।